दोस्तों, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भारत की ऐसी 5 कंपनियों के नाम बताइए जो पूरे देश पर ही नहीं पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करती है, अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आप में से बहुत से लोग उसके बारे में सर्च करने लग जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन पर। और बहुत से तो बुद्धिजीवी हमारे देश में ऐसे भी है जो अपनी बुक्स में भी ढूंढने लग जाएंगे। नहीं, होते हैं बहुत से लोग होते हैं। चलिए, इन सब बातों को साइड में रख के हम आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही 5 स्वदेशी ब्रांड लेकर आए हैं जिन्होंने अकेले ही पूरी देश की इकोनॉमी को संभाले हुआ है। आज से ही नहीं, ना जाने कितने वर्षों से, शायद से अंग्रेजों के आने से पहले भी इन्होंने संभाला था और उनके बाद भी अभी तक ये लोग अपने देश की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे वीडियो में नंबर 1 रैंक पर है लुइस फिलिप। जी हाँ, लुइस फिलिप एक स्वदेशी ब्रांड है। आप में से बहुत लोग इसका नाम सुनकर ये सोचते होंगे कि ये स्वदेशी ब्रांड नहीं बल्कि ये एक बाहर की कंपनी है, लेकिन नहीं, इसे मदुरा फैशंस ने 1989 के अंदर एक्वायर किया हुआ है। ये ब्रांड अपने आप में एक बहुत ही प्रीमियम इंडियन ब्रांड है जो केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। एंड इतना फेमस होने के बाद भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इजीली अफोर्डेबल है। तो इसी के साथ नंबर 2 पर जैगुआर कंपनी आती है जिसे टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया था 2008 में। इस ब्रांड की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहले इस ब्रांड को ब्रिटिश लेलैंड ने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद फोर्ड मोटर्स ने किया और अंत में 2008 में टाटा मोटर्स ने इस ब्रांड को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। अब आप इतने बड़े अमाउंट को देखकर अंदाज़ा लगा सकती है कि कितना उन्होंने खर्च किया इसके लिए। तो इसी के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर पीटर इंग्लैंड है जिसको भी मदुराई फैशन एंड लाइफस्टाइल ने एक्वायर किया हुआ है। दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दूँ, मदुराई फैशन की जो कंपनी है वो एक आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है। तो दोस्तों, ये ब्रांड भी अपनी प्रीमियम क्वालिटी की वजह से ही जाना जाता है, पूरे देश में भी नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी लिस्ट पर 4th नंबर पर टाइटन ब्रांड है जो टाटा ग्रुप और TIDCO ने मिलकर 1984 के अंदर बनाया था। अब टाइटन ही एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड है। और दोस्तों, आप सभी के होश उड़ जाएंगे ये सुनकर जब मैं आपको बताऊँगा कि टाइटन ब्रांड की जो रैंक है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 5th रैंक है। वो अपनी लुक वाइज बेटर क्वालिटी और बजट को देखते हुए अपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर उसने अपनी 5th रैंक बनाई हुई है और ये रैंक आज नहीं बहुत पहले से बनाई हुई है। और आखिर में हमारी लिस्ट पर 5th नंबर पर रॉयल इनफील्ड आती है जो ईचर मोटर ने खरीदी हुई है, या ये कह लो कि वो ईचर मोटर की ही थी। गाइज, ये ब्रांड 1955 के अंदर इंडिया में ही इस्टेब्लिश हुआ था। और आप सभी को भी ये पता होगा कि रॉयल इनफील्ड की जो मोटरसाइकिल आती है वो रोड पर कम और लोगों के दिलों में ज़्यादा राज करती है। तो दोस्तों, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी उन लोगों के लिए जो लोग स्वदेशी ब्रांड को छोड़कर बाहर के ब्रांड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उन सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे ब्रांड भी किसी से कम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो प्लीज़ अपने स्वदेशी ब्रांड अपनाइए, अपनी स्वदेशी चीज़ खरीदिए ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके। तब तक के लिए अलविदा, अब हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना।